अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम। ओके जी, आई होप सो के जितने भी रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ईमेल चली गई होगी जिनका मेरे पास अटेंडेंस पोर्टल पे नाम आ रहा था। ठीक है, और इसी जूम लिंक के थ्रू ही ना आप लोगों ने कनेक्ट हुआ करना। ठीक है, और डेली बेसिस पे मैं लिंक जनरेट नहीं करूँगा। ठीक है, और 30 जून तक मैंने इसकी डेट वैसे सिस्टम में एक रफ सी डेट डाली है। ठीक है, ताकि उतनी देर तक यही लिंक जो है वो वर्कआउट करता रहेगा। ठीक है, और आप इसको मैं होपफुली सेव कर लें। और बाकी जो स्केड्यूल में था वो भी मैंने ईमेल पे आप लोगों को एड्रेस कर दिया था कि ऑनलाइन इसकी जो क्लास है, बाकी बैच के जो सेक्शंस हैं उनकी भी ऑनलाइन हो रही है, तो यहाँ पर जो है ये भी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास एवेल्युएशंस हैं, जो असेसमेंट्स हैं, वो होपफुली इंशाल्लाह हम लोग वी विल ट्राई कि उसको हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कंडक्ट करें। ठीक है, तो फ्रॉम द डेट जो है वो अपना माइंड इस चीज़ पे क्लियर कर लें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन या सम हो जो भी माड़ी तौर पे आपने प्रिपेयर होना, आप उसके अकॉर्डिंगली रहें। ठीक है, स्केड्यूल इसका क्या है या टाइमिंग्स इसकी क्या हैं या बाकी कोर्सेज, वो जिस तरह भी टाइम टेबल है हमारा, हमें उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। ठीक है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें अपने कोर्स के ऊपर फोकस करना है, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, वी हैव नो इशू। और अभी मैं कोर्स आउटलाइन प्रीवियस की जो थी इसको डिफरेंट सी बात है हम लोग गो थ्रू करेंगे, जो CLOs और PLOs वगैरह आपको पता है आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंगली हमने देखने होते हैं। और यू पीपल आर वेल फैमिलियर, अल्हम्दुलिल्लाह 8th सेमेस्टर में हैं और आप लोगों को आइडिया है कि इनका क्या इफ़ेक्ट है CLOs का और PLOs का, तो ये ज़रूरी चीज़ें अब इनके अकॉर्डिंगली कोई भी कोर्स हो तो ये आपको आइडिया है कि डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं, लेकिन इवेंचुअली उनका जो इफ़ेक्ट है वो आपके PLOs के ऊपर होता है। ठीक है, जो कोई भी जो इंजीनियरिंग है उसके जो 12 PLOs हैं, राइट, और उसका ताल्लुक अभी जैसे कुछ यहाँ पे है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से है और इंडिविजुअल एंड टीम वर्क से है, क्योंकि अगर आपको कोई रिपोर्ट मिलती है, कोई केस स्टडी मिलती है, तो उसके ऊपर अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई प्रेजेंटेशन अगर होती है तो कम्युनिकेशंस के PLO को मैप कर रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट वगैरह को केस स्टडी करते हैं उस फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम पर दे रहे हैं नहीं दे रहे, कब सबमिट उसको करवा रहे हैं, लेट आ रहे हैं, या इवन दो के सेशनल्स हो चुके हैं और कुछ फाइनल्स के होने के बाद भी जो है वो चीज़ें सर्कुलेट हो रही होती हैं। ठीक है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो कोई कोर्स पढ़ा है उसका लॉन्ग लाइफ लर्निंग उसकी है या नहीं है। डेफिनेट सी बात है, ये जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स है ये बेसिकली यही है कि जब आप एज एन इंजीनियर किसी पोस्ट पे होंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मीट कर रहे हैं, कंपनी के लिए आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को आप कैसे एक रीजनेबल इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज करें, एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में जो है वो आप डील कर रहे हैं, तो ये थ्रू आउट द लाइफ ये जो लर्निंग है वो डिफरेंट सी बातें होगी। और इस पे थोड़ा सा कोई एक दो मिनट के कमेंट्स करने का आइडिया ही है कि जो भी कोर्स होता है उसकी दिया। ठीक है, अब जब कुछ मेरे से रिन्यूएबल पढ़ रहे थे या उसके अलावा कुछ पावर्स वगैरह का जो कोर्स पढ़ रहे थे, माइट भी उसमें कम्युनिकेशन PLOs को आप टारगेट ना कर रहे हो, माइट भी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उसमें ना हो, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का PLO ना हो, तो जो भी कोर्स पढ़ते हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी PLO को बेहतर करना है। और ये जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में FYP में भी यूज़ हो रहा होगा, यकीनन जगह पे भी ये यूज़ हो सकते हैं। एट द एंड ये भी आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, ग्रेड्स के अलावा इन चीज़ों की भी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होनी चाहिए, एक सर्टन थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। माइट भी आपके बैच को या
एसयू और बैच को जिनकी लो अटेनमेंट होती है पीएलओज में, आई थिंक सो कि उनको एक ईमेल भी सर्कुलेट होती है, आई होप सो कि आप लोगों को भी हुई होगी, एम राइट होती है या नहीं होती? यस सर होती है जी, एक वन ईयर के ड्यूरेशन के बाद होती है जो पूरी कैलकुलेशन निकलती है। तो खैर ये आपको चीज़ें ईमेल तो सर्कुलेशन एक बहुत बाद की बात है ना, आपको पहले से देखना चाहिए। अब जिसका जो भी पीएलओ बेहतर है, वीक है, जो कुछ भी है, तो जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें देखें कि उसमें क्या आपके इम्प्रूव करने के चांसेस उसमें है नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसके एंड पे भी सीओज वगैरह लिखे होते हैं, सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और ख़ास करके जो अगर कोई मेरे पास पढ़ रहा था और अगर उसने कोई रिपोर्ट्स वगैरह दी हैं और उसके अंदर उसका कोई जो मार्क्स जो हैं वो कोई बेहतर नहीं है, तो यहाँ पे देखना ये चाहिए कि वो जो सी एल ओ पी एल ओज हैं, अगर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे कोई वीक था तो वो यहाँ पे देखे कि सी एल ओ जो वन है उससे रिलेटेड जो डेटा अगर इम्प्रूव करे तो उसका यकीनन पी एल ओ वन जो है वो भी होपफुली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। और पहले बिफोर तो भी होता था कि कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो वैसे ही लिखे होते थे, चीज़ें तो वही हैं, लेकिन अब थोड़ा कैटेगोरिकली चीज़ें मेंशन है कि मैं उसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं उसमें क्या एनालाइज कर रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, तो उसके कुछ लेवल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो काम करना होता है। और डिफरेंट डोमेन्स भी हैं, जिस तरह सी फॉर कॉग्निटिव डोमेन है, ए फॉर इफेक्टिव डोमेन है, जो कि कम्युनिकेशन और इस तरह की चीज़ों को एड्रेस कर रही होगी, जिस तरह लैब्स के अंदर साइकोमोटर हमारे पास होती है, और जो वागा वाइस और इस तरह की चीज़ें हैं वो इफेक्टिव डोमेन का पार्ट होती हैं, वो आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं और इवेंचुअली हम एक पॉइंट पे होंगे कि किस किस तरह चीज़ मैनेज करना है। उसमें आपको क्विजेज भी जो रूटीन वाइज होते हैं वो कुछ क्विजेज भी होंगे, इसमें रूटीन वाइज कुछ असाइनमेंट्स टाइप होंगी जो कि केस स्टडीज माइट बी, आप उसके ऊपर पॉसिबली जो है वो रिपोर्ट एक लिख रहे हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मिड टर्म है, ठीक है, और फाइनल टर्म, ठीक है, तो ये है बेसिक। कुछ आपको केस स्टडीज दी जाएंगी कि कुछ केसेस होंगे उनको आप एड्रेस कर रहे होंगे, जब कुछ देखेंगे कुछ पढ़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमें आइडिया हो जाएगा, इंशाल्लाह वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि हम जो असेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर लें, ठीक है। तो जो बेसिक होती है कि जो टीचर कहता है उसको कोर्स की नौइयत का अंदाज़ा होता है, ठीक है, बीच में बिला वजह चीज़ें पिन पॉइंट करना और बिला वजह एक हायरार्की को ख़राब करना, क्योंकि जो एक मैनेजर है जिसने काम को करवाना है उसकी अगर आप हायरार्की उसको चेंज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट सी बात, क्योंकि आपको कोर्स का आइडिया ही नहीं है, आप इस पोजीशन पे नहीं हैं कि इसको किस तरह मैनेज करना है, तो आप उसको बिला वजह ख़राब ही कर सकते हैं, बेहतर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ख़राब करते हैं तो फिर बोलने का या बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, चीज़ ख़राब हो चुकी होती, ठीक है। तो इसलिए हमें बेहतर होता है कि इस कोर्स को किस तरह लेके जाना, क्योंकि हम एक ख़ास एफर्ट एक ख़ास कोलैबोरेशन के साथ फिर किसी पॉइंट पे आते हैं कि इसमें बेहतरी क्या, ठीक है, जो कि स्टूडेंट को साफ ज़ाहिर उस चीज़ का आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो ये खैर एक हमारी एक इंशाल्लाह कोशिश है इस तरह करने की। और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की ये बुक है, ये कोर्स बुक है आपकी, ठीक है। और होपफुली अगर आप जा रहे हैं बुद्ध बाज़ार वगैरह या बाकी ग्रुप को बुक्स वगैरह लेने, तो बेटर कि आप हार्ड फॉर्म में ले लें, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में बुक अवेलेबल है हमारे पास, भी प्रोवाइड भी की जा सकती है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि जब हार्ड फॉर्म में बुक होती है तो लर्निंग कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर हो जाती है, ठीक है। कुछ फ्रेंसिस बुक्स हैं, अगर किसी ने कंसल्ट वगैरह करना हो तो वो कर सकते हैं। इस पे मैं, अब्दुल्ला खालिद और मैम सीएम तीनों कोर्सेज को डील करें, वो होपफुली उसमें वो तो सबसे पहले आपने चीज़ देखी होगी यकीनन। और ये जो बुक के ऑथर हैं
उसकी हमारे पास स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी के जो टीचर थे जिन्होंने ये बुक को लिखा है, डॉक्टर सी एम चैंग, ठीक है, और डिपार्टमेंट का भी नाम लिखा हुआ है, तो इनके ऑफिशियल स्लाइड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये ऑफिशियल ऑथर की हैं, और इनकी जो है वो आपने अभी कोर्स आउटलाइन में भी देखी थी, और उस बुक को आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज द फ्रंट कवर इंडिकेटिंग द ग्लोबल चैलेंजेस, और ये जिन ऑथर के भी मैं स्लाइड्स आपके सामने शेयर की थी, स्लाइड शेयर हुई तो आ रही थी, वो एक स्लाइड सी कि नहीं? नो सर। ठीक है, चलें। खैर, ये जो फ्रंट कवर है सीएम चैंग, ठीक है, और इन्हीं के हमारे पास स्लाइड्स भी अवेलेबल है, तो देखेंगे कि ऑन एंड ऑफ स्लाइड से समटाइम और समटाइम बुक से, लेकिन ये खैर एक बड़ा एक यूनिफॉर्म सेट है, उन्हीं उसी ऑथर की जो स्लाइड कोशिश करेंगे और उसी ऑथर की बुक को, ताकि चीज़ें एक यूनिफॉर्म वे में रहें। ठीक है, तो ये सी एम चैंग जो हैं, अब इनका स्लाइड्स का मैं कह रहा था, चलो वो भी देख लेता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड का आपके सामने पेज होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के प्रोफेसर हैं, ठीक है, डॉक्टर सी एम चैंग, और ये इनके ऑफिशियल स्लाइड्स हैं, और इन्हीं की बुक है जिसको हम फॉलो किया करेंगे, तो इंशाल्लाह चीज़ें एक यूनिफॉर्म वे में रहेंगी। सो अगेन बैक टू द बुक, और अब जिसने परचेज करने हुई होप्स हो कि फ्रंट पेज आपके सामने आ चुका होगा, ऐसे ही नज़र आ रहा है इसका फ्रंट पेज? ठीक है, और ठीक है, सेकंड एडिशन है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के प्रोफेसर है। अच्छा, इस बुक जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है, ये ऑथर की कुछ अवार्ड्स भी जो हैं इन्होंने इनको मिले हुए हैं, और मल्टीपल बुक्स के ये ऑथर भी हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि एक ख़ुद से इंजीनियर हैं, और साथ में इन्होंने एमबीए भी किया हुआ, तो यानी कि इनको ठीक है काफ़ी नॉलेज है इनको इंजीनियरिंग की और मैनेजमेंट साइड्स की, और ये सारी जो मामलात हैं, क्योंकि ये थोड़ा कोर्स का अगर आप नाम भी देखें ना, तो दैट इज़ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, राइट? और ये ट्रेंड भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बीएस इंजीनियर्स हैं वो एट द एंड या तो एमबीए कर लेते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री करते हैं। आई होप सो कि यू हैव वेल फैमिलियर विद दीज नेम्स, ऐसे ही है या नहीं सुना हुआ? जी सर, यस सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, और कुछ एमबीए कर लेते हैं, और आपके ख्याल में क्या बेनिफिट वगैरह होता है जब इस तरफ स्विच करते हैं? या जी सर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा उन्हें मैनेजमेंट स्किल्स भी? जी ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। और कोई सर, वो मतलब मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं ना, मतलब सुपरवाइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, एक टीम उनके अंडर काम कर रही हो सकती है। ठीक है, ये बेसिकली टीम लीड का डेजिग्नेशन भी होता है, ठीक है, और वो इंजीनियर्स की ही टीम होती है, तो उसमें से कोई एक सर्टन जो है वो टीम लीड का रोल प्ले कर रहता है। लाइकवाइज स्कूल्स के अंदर जैसे हेडमास्टर या प्रिंसिपल का एक डेजिग्नेशन है, ठीक है, और वो पोजीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टू आंसर द हायर अथॉरिटीज़,
है खुद वो टीचर ही, लेकिन उसके साथ साथ वो मैनेजेरियल इश्यूज को भी देख रहा है, लेट्स से क्लीनलीनेस के एनवायरनमेंट को देख रहा है, टाइम मैनेजमेंट को देख रहा है, लोग टाइम पे आ रहे नहीं आ रहे, ब्रेक्स की क्या सिचुएशन है, क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं, जो पीरियड्स हैं, जो टाइम स्लॉट्स हैं वो किस तरह से चल रही हैं, जो रिसोर्सेज जो फंड्स एलोकेट हुए हैं स्कूल को उनको वो कैसे मैनेज कर रहा है, उनकी भी वो देखभाल कर रहा है। तो एट अ टाइम मल्टी टैलेंटेड रिक्वायरमेंट्स बीच में आ जाती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर्स को भी देखा जा रहा है, नो डाउट के क्लरिकल या उस सेंस में स्टाफ है, लेकिन यू शुड बी वेल फेमिलियर विद ऑल द एस्पेक्ट्स कि क्या चीज़ें चल क्या रही हैं, ठीक है। अगर वो नहीं उसको आइडिया होगा तो फिर जो लोअर स्टाफ है वो उसको चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा, बहुत सारे इंसिडेंट्स में उनको ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है। और इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन बनती है। तो वैसे तो देखा जाए तो बीइंग अ टीचर या उसने जो भी डिग्री की होगी वो उसने एजुकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं की होगी कि वो करते वक्त ये माइट भी उसके जहन में ना हो कि उसको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, वो तो किसी स्पेसिफिक डिग्री के अंदर उसने किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर बीएस वगैरह एमएस वगैरह या एमफिल उसने किया होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा या केमिस्ट्री या सम हो, तो उन्हीं में से एक कोई ये पोजीशन दे दी जाती है। लाइकवाइज इसी तरह ही पुलिस में कि बहुत सारे लोग जो इंस्पेक्टर्स या सब इंस्पेक्टर के रोल पे होते हैं, लेकिन उसमें जो एसएचओ की पोस्ट है, ठीक है, स्टेशन हाउस जो ऑफिसर है या उसमें इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो है जिसको एक रफ वे में जिसे हम तफ्तीशी अफसर के नाम से भी जानते हैं, तो ये लोग विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट ही हैं, लेकिन कुछ लीडिंग कुछ मैनेजेरियल पोजीशंस पे हैं जो कि जवाब दें। और बहुत दफ़ा आपने न्यूज़ में भी देखा होगा जब कोई इंसिडेंट होता है तो हार्डली माइट बी यू हैव लिसेंड कि फलां पुलिस वाले को वहाँ से यहाँ पे चेंज कर दिया। किसी भी प्रोमिनेंट इंसिडेंट में क्या होता है कि एसएचओ को वो चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। माइट भी उसका बीच में रोल है या नहीं है, लेकिन सम हाउ वो एक मैनेजरियल पोस्ट है और वो बीच में चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। ये इसी तरह के एसटीओ अलर्ट से तो वो भी एक जो पूरी डिवीजन है सब डिवीजन है उसको वो डील कर रहा होता है, राइट। बीइंग टेक्निकली तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो सारी चीज़ों को देख रहा है कि लाइन मैन कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो वो किस तरह कर रहे हैं, कौन से नए मीटर्स लग रहे हैं, क्या कनेक्शंस लग रहे हैं, कहाँ पे पोल्स की क्या सिचुएशन है, कहीं पूरा स्केजुअल जो है लाइट ऑन है ऑफ है, वो माइट भी बैकग्राउंड से बहुत पीछे से कहीं कंट्रोल हो रही हो, लेकिन स्टिल वो बीच में वो फेमिलियर है, कहीं कोई काम चल रहा है तो वो एक सर्टन एक दिन के अंदर आपने देखा होगा कि आपके एरियाज में लाइट नहीं आती, मैनेज उसको प्रॉपर किया होता है, कुछ सर्टन मॉर्निंग में चली जाएगी और दोपहर के टाइम आएगी। तो ये एक बड़ी एक प्रोमिनेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और टेक्निकली या नॉलेज वाइज या बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं और मैनेजरियल रोल दे हैव टू प्ले, उनको करना पड़ता है इसी तरह ही। ये जिस तरह मैंने आपको तीन चार एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं कि मैनेज चीज़ें, और इस तरह आप कुछ किसी अदारे की कुछ बताएंगे कि जो कि मैनेजमेंट कर रहे हो जो कि मैनेजरियल रोल्स को प्ले कर रहे हो। जी सर, किसी भी कंपनी में जैसे सीईओ होता है या सीएफओ होता है वो भी तो ये सारी चीजें मतलब मैनेज कर रहा होता है, उसके नीचे मतलब एक टीम होती है, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, कोई आरएनडी का डिपार्टमेंट होता है, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, वो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि कंपनी में सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो, यस सर, ठीक है, और उसके नीचे मल्टीपल लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आर एंड डी डिपार्टमेंट का उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई हो सकता है, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट हो सकता है, लेट्स से मैं हवावे की एग्जांपल ले लूँ या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हायर या पहले या डॉल्स, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट एक अलग है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग का अलग है जो कि उसको सेल कर रहा है, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स डिफरेंट होंगे, आजकल मैच आ रहा तो पेशावर ज़ल्मी के ब्रांड एम्बेसडर्स आप फिर देख रहे होंगे, ठीक है। सो वो कुछ एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, परचेज सेल्स परचेज कुछ और चीज़ है, तो
तो सारी एक डिफरेंट, लेकिन उनके ऊपर डिफरेंट सी बात है, कोई ना कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी टीम का। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है ऑथर की इनकी। अभी बुक की शेयर है ना आप लोगों के सामने? यस ठीक है जी, अपनी वाइफ को डेडिकेट की हुई उसने बुक लिख के ना, और खैर कुछ और लोगों को भी की हुई। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑथर का। ठीक है, कि मैंने आपको पहले कहा था कि बेस्ट बुक है और अवार्ड भी इसने बेस्ट बुक का लिया हुआ है। ठीक है, पीएचडी इंजीनियरिंग में और एमबीए बिजनेस एंड मैनेजमेंट में, 25 इयर्स का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, और फिर देन इन्होंने बुक लिखी और बेस्ट बुक का अवार्ड भी जो इनको मिला। मैं जस्ट देख रहा हूँ ताकि मैं मेंशन कर सकूँ, कुछ जर्नल्स के एडिटर भी रहे हैं। ठीक है, ये अवार्ड है जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट चैलेंजेस इन द न्यू माइलस्टोन्स, ये फर्स्ट एडिशन था इनका, इस पर भी इनको मिला हुआ। कुछ और भी इनकी बुक्स हैं, उन पे भी इनको अप्रिसिएशन और अवार्ड्स मिले हुए। सो बड़ा एक बेस्ट वे में जो इस फील्ड्स को समझ सकते हैं कि जो बुक है, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो जो इसका सबसे पहला चैप्टर है उसका जो हमारे पास है भी बहुत जरूरी, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर इंजीनियर्स। हमने बेसिकली बीइंग आप एक पावर प्रोजेक्ट है नंदीपुर का या उस, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस का, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इनके ऊपर काम करेंगे, माइट बी कुछ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, और इन सब फिर होगा कि इनके ऊपर कोई ना कोई लंच या घंटे डीसी के अंदर चल रहा है या वापडा वगैरह या जो भी चीज चल रहे हैं। ठीक है, कोई छोटी डिवीजन, अब बहुत सारी रिसोर्सेज क्या आया, कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास काम, बॉस का ड्रीम है। दूसरे का शिफ्ट इसको कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। जी स्टूडेंट्स, सब ठीक आ रही है आवाज़ या नहीं? बोल कोई नहीं रहा सर, आ रही है सर आपकी आवाज? सर आ रही है आवाज? ठीक ठीक है जी, ओके। बात हमने ना रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, क्या वहाँ पे काम कर रहे हैं तो क्या इम्प्लॉयज को पे करने के लिए, या जो इलेक्ट्रिक पोल्स आप परचेज करें, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो वहाँ पे कोई ब्रेकर्स वगैरह, कोई इंसुलेटर, कोई कोई भी जो चीज़ें आप लगा रहे हैं, क्या आपके पास उनके रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं। ठीक है, और फिर सपोज रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और वो रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे एक पोल की ज़रूरत हो तो आपने तीन तीन चार चार मंगवा के रखे, तो
तो वो तो एक प्रोजेक्ट चल जाएगा, होगा क्या कि जो ओवरऑल फंड्स जो एलोकेट किए हैं उस डिवीजन को वो किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ना काफ़ी हो जाए। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जब हर साल जब बजट एलोकेट होता है तो कुछ थोड़े थोड़े करके काम होते, फिर कुछ चीज़ें नेक्स्ट बजट में रख ली जाती है, फिर नेक्स्ट बजट में, फिर नेक्स्ट बजट में, फिर जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनका बिहेवियर बड़ा काउंट करता है। ठीक है, इंटरनली उनका कैसा बिहेवियर है आपस में, ठीक है, बच्चों की तरह आपस में लड़ के किनारे किनारे पे लग के तो नहीं बैठे हुए, क्योंकि इमेच्योर फील्ड तो नहीं है। ठीक है, काम उस पर करें। फिर जो जो लोग अगर कोई जॉइंट वेंचर में काम करें, जो एक्सटर्नली लोग उनके साथ बिजनेस पार्टनर जो हैं, वो आप एक एट अ टाइम डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कुछ कहीं से कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है कोई, कहीं से आप मटेरियल मंगवा रहे हैं, कहीं से कंक्रीट आ रहा है, कहीं से लोहा ले कर आ रहे हैं, कहीं से पोल्स का मटीरियल आ रहा है, कहीं से ब्रेकर्स को ऑर्डर दिया हो, कहीं से कुछ लेबर आप ले रहे हैं, तो वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो बिहेवियर है, वो बड़ा मैटर करता है। अगर आप एथिकली लूज करते हैं तो फिर किसी भी प्रोजेक्ट में उस पर्टिकुलर कंपनी को माइट भी वो चीज़ ना मिली। सपोज आपको कोई पॉलिसी बन के आ गई है तो आप उसके ऊपर क्या आपको डिसीजंस लेने हैं। लेट्स से कोविड की अभी सिचुएशन आई थी तो उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे जो DCOs हैं, जो DPOs हैं, उन्होंने क्या डिसीजन लिए, कैसे उन्होंने लॉकडाउन करवाया, कैसे चीज़ों को उन्होंने बंद किया, लोगों की रेजिस्टेंस भी सामने आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो कुछ क्रिटिकल जो डिसीजंस हैं वो लेने पड़ते हैं। पॉलिसी एक टॉप एंड पे होती है कि ये काम हमने करना है, लोअर एंड पे हर एंड पे इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर होती है ना। ठीक है, और क्या फैसला ले रहे हैं, क्या सिचुएशन है, कुछ डिसीजंस भी आज पर सिचुएशन होते हैं जो टॉप पॉलिसी है उसके अंडर सारी चीज़ें नहीं आ रही होती। फिर ये है कि आप उस पर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सपोज हो सकता है कि आप बहुत जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर अगर लर्ट से कुछ यूज़ कर रहे हैं बड़ा ओल्ड है तो आपको अप टू डेटेड जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। फिर ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप क्या आपकी स्पीड है, इफ़ेक्टिव वे में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक लट से काम है वो एक दिन में होता है, आप उसको 3 days पे एक्सटेंड करके बैठे। फिर ये है कि कंपिटेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपके पास क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो कंपिटेंट एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, क्या वो जो ऑन गोइंग चैलेंजेस हैं उनको मीटअप कर सकते हैं। कंपिटेटर्स होते हैं ना, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ की भी बात करूँ तो बंडल ऑफ कंपनीज होंगी, कुछ का नाम हमें नहीं भी पता होगा। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मित्सुबिशी है, उस पे के अंदर हायर काम कर रही है, डेल्स है, पेल है, ठीक है, ग्री है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें जो डिवाइसेस हैं वो उनसे मिलती हैं। तो अगर एक किसी के पास अगर अच्छा स्टाफ है, कुछ चीज़ें उनकी एक्सीलेंसी की तरफ जा रही हैं तो दूसरी पीछे रह जाएगी। तो ये एक कलेक्टिव इन्वायरमेंट होता है, प्रोडक्शन ख़राब कर रहे हैं फिर भी पीछे रह जाएंगे, मार्केटिंग ठीक नहीं कर रहे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आगे आपके जो थर्ड मैंस हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको अच्छा बीच में जो है वो नहीं अगर प्रोवाइड कर रहा प्रॉफिट फिर भी पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके एक मिनिमम टाइम के अंदर एक बेस्ट रिजल्ट देना, ये चीज़ें एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिव चीज़ों की तरफ लेके जाती हैं। टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें, कम टाइम लगाएं, रिसोर्सेज हैं कम रिसोर्सेज यूटिलाइज करें। एफिशिएंसी भी बेसिकली क्या है, सारे इंजीनियर्स हैं तो एफिशिएंसी की वजह से क्या फॉर्मूला होता है या जी क्या फॉर्मूला होता है जी? ये कह रहे हैं इनपुट ओवर आउटपुट एक ने कहा, बाकी इत्तेफाक करते हैं। आउटपुट ओवर इनपुट होता है। यस सर, आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे बेहतर हो सकती है? सर आउटपुट को बढ़ाने से, मतलब आउटपुट मैक्सिमाइज करें। ठीक है, एक ने कहा जी आउटपुट मैक्सिमाइज करें, और
इनपुट कम हो तो आउटपुट मतलब उसके रिस्पेक्ट से ज्यादा हो तो फिर ठीक है, इनपुट कम हो दो दो तरह के व्यूज आ गए, ठीक है जी। तो और कुछ इस पे कमेंट देना चाहे, दो चीजें बच्चों ने कही, एक ने कहा आउटपुट बढ़ा दें और एक ने कहा कि इनपुट को कम कर दें। तो एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास आउटपुट और इनपुट होती है, तो या तो आउटपुट न्यूमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो डिफरेंट सी बात है आपके पास आंसर कंपैरेटिवली हाई होगा, या आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो अगर कम हो जाए छोटी हो जाए इनपुट कम हो जाए तो बेहतर आ जाएगा। इसको थोड़ा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आउटपुट बेहतर किस सेंस में आ सकती है कि आप लॉसेस कम कर दें, ठीक है, आप जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कम टाइम के अंदर कम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा बनाने लग जाएं। इनपुट भी ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके आप मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। सपोज कोई कंपोनेंट आपने बनाना है, अगर अगर आप 100 रुपीस के ऊपर एक कंपोनेंट बना रहे थे, उसके ऊपर कोई ना कोई रॉ मटेरियल कोई रिसोर्सेज लग रहे, तो अगली दफ़ा आपने 100 के अंदर 2 कंपोनेंट्स बना दी, मिनिमम रिसोर्सेज को आपने यूज़ कर लिया, वो 50 रुपीस पर कंपोनेंट पड़ रहा है, वो 100 रुपीस पर कंपोनेंट पड़ रहा है, ठीक है। या आपने बजट अगर अपना 100 ही रखना तो उसमें आप पहले एक बना रहे थे, अब दो है, प्रोडक्ट बढ़ गई हैं, एलोकेशंस करनी पर प्रोडक्ट तो वो 50 पे आ रही है, ठीक है। तो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करना, टाइम फ्रेम का बीच में हो सकता है कि अगर जो पहले आपकी टिपोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजी आप अगर यूज़ कर रहे थे उनके अंदर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते थे, अब आपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज किया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमने बिजनेस को लीड करना है, और लीड किसने करवाना है, लीडर ने, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, मैनेज हम कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग मैंने आपने कोई पावर प्लांट लगा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट है अगर, या कोई भी हाइड्रो पे कुछ भी, तो आपने जब उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है तो क्या होगा, बीच में कोई ना कोई चीज़ तो आप बेहतर करेंगे। आप बताएं अगर पावर प्लांट की हमने आउटपुट ज़्यादा लेनी हो तो क्या कर रहे होंगे आप काम, लॉसेस वगैरह पे कर रहे हैं काम के कम हो जाए आउटपुट ताकि इनपुट पे ज्यादा। सारे हम लोग फैमिलियर हैं लॉसेस से, तो टेक्निकली कौन सा लॉस खत्म करवाना चाह रहा है, किस तरह खत्म करना है, सर इंटरनल लॉसेस हो, ठीक है, वो नाम बताएं ना, और टेक्नोलॉजी को थोड़ी सी बताने कोशिश करें हल्की फुल्की किस तरह कम हो जाएंगे, फिर आगे डिसीजन आप देंगे ना, आज आप एक कंपनी में जाके लगे हैं, फिर आपने आगे कमेंट पास करना है और नीचे वाले लोअर जो स्टाफ है उसने उसको वैसा करना है और लॉसेस हमारे पास कम हो जाने और प्रोडक्शन हमारी बढ़ जानी। जी हाँ जी, कोई है आइडिया सर, पावर फैक्टर कर सकते हैं सर, पावर फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं सर, उसको हम इंप्रूव मतलब कर रहे होते हैं कि लॉसेस के लिए कैपेसिटर्स वगैरह लगा, कैपेसिटर बैंक यूज करके जनरेशन सर, मैं एक मिनट हमजा करता हूँ कमेंट आपकी बात। आवाज नहीं आ रही आपकी, मैंने आपको कहा कि एक मिनट आपको करता हूँ गाइड, आप वेट करें। जी सर, हाँ जी, कोई आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की बात बता रहे थे तो कंटिन्यू करें जी।
सर जो हमारे पास मशीन में लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस, सर उसको रिड्यूस करेंगे? ठीक है, वो कह रहे हैं जी हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं तो उसको रिमूव करेंगे या इम्प्रूव करेंगे, या तो आपको मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी कोई, और या आपको अपनी जो अप्लायंस है उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही होगा या किसी और तरीके से होगा? सर जो हमारे पास इम्प्रूव मशीनरी होगी सर हम वो लेंगे। अगर सपोज इम्प्रूव मशीनरी का बजट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा जी, हो सकता है बजट नहीं अवेलेबल और आपको जो एस ओ पीज हैं उनको रिवाइज करना पड़े, आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह दोबारा से दे रहे हो जो एम्प्लॉइज हैं उनको, जो आपने एक मैन इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हो माइट भी आपको वो अपडेट करना पड़ जा सकता, हो सकता है पॉसिबिलिटी, मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ, या दूसरी सेंस में ये हो सकता है कि आप अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं ठीक है तो आप नई जो लेटेस्ट जो मशीनरी है उसको आप परचेज कर लें, रिसोर्सेज को यूज़ करके आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लें, ठीक है, इकोनॉमिकली भी वो चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले चेंज करने से पहले देखना है कि वो फिजिबल भी है या नहीं। आपने एक टर्म सुना होगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, कोई भी जब प्रोजेक्ट कोई भी काम होता है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है क्या है कि ये फिजिबल भी है या नहीं है ना, ठीक है। सपोज लाहौर है और यहाँ पे हम कहें कि वाटर के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो ये एक फिजिबल सिचुएशन नहीं है, जो इसके सराउंडिंग्स को समझते हैं, जो इसकी की पोजीशन को समझते हैं कि यहाँ पे वाटर से जनरेशन तो पॉसिबल नहीं है, किसी दरिया का गुजर, किसी कुदरती तौर पे को हाइट से पानी का गिरना, ये इस सेंस में रिसोर्सेज सॉरी अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे, तो ये कोई फिजिबल चीज़ नहीं है, ठीक है। हमें किसी उस एरिया पे, किसी उस जगह पर चीज़ों को देखना होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल या चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हूँ, ठीक है। तो प्रॉपरली इन्होंने टेक्नोलॉजी को स्टडी कर लिया, इनके पास ठीक है जी रिसोर्सेज भी थे तो इन्होंने उसको परचेज कर लिया, और फिर एट द एंड ये देखते हैं कि इकोनॉमिकली वो इनको बेहतर लॉसेस को कम कर रही है, ज़्यादा आउटपुट दे रही है तो प्रॉफिट जनरेट होगा इकोनॉमिकली, दैट इज़ अ वायबल, वो फिजिबल है आपके पास। लेकिन इस सारे काम करने के लिए क्या होगा कि आप प्लान करेंगे, किसी को कुछ लिखेंगे, कहीं से जाके अप्रूवल आएगी, वो सारी मामलात भी बीच में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो मेजर चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं बेसिकली, द एक्शन टेकन इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर ना, अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये प्लानिंग के ऊपर अभी कर्सर है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग, देन कंट्रोलिंग। प्लान कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किस वे में कर रहे हैं, लीडिंग रोल पे कैसे कैसे उसको लीड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़नी है, ठीक है। और ये अभी जो बातें हो रही थी वो भी यहाँ पे भी वही मेंशन है, रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड, इन्वॉल्व पीपल, एम्प्लॉयज़ कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने। अक्सर आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि जी वो अदारा जो है वो लॉस में जा रहा है, कोई रिसेंट कोई न्यूज़ कभी पढ़ी हो किसी जो कौमी अदारे के बारे में कि दैट इज़ गोइंग इनटू अ लॉस, और वहाँ पे कुछ लोगों को, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना है या उनको स्विच करना है जी? पाकिस्तान स्टील मिल ठीक है। और PIA और पाकिस्तान स्टील मिल, शुगर मिल्स, ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट हैंडल कर रही थी अभी, पाकिस्तान स्टील मिल और PIA ये थे वो पब्लिक जो थे वो इंस्टीट्यूशंस थे, कौमी अदारे हमारे नेशनल, तो शुगर वगैरह को मोस्टली प्राइवेट सेक्टर कर रहा है डील। और अब उसके अंदर क्या आ रहा है, अब ऑब्वियसली अगर आपका प्रॉफिट नहीं है रीजनेबल तो आपको उनको ले ऑफ करना पड़ेगा, राइट, आपके पास उतना बजट नहीं है, आप हैवीली उतना पे नहीं कर सकते, और देन टाइम, ये रिसोर्सेज
टाइम आप क्या लगा रहे हैं, ठीक है? टाइम का बहुत क्रूशल रोल है, और ये आपको आइडिया है कि टाइम जो है वो बड़ी अब बीच में की पोजीशन पे है। अभी आप प्रोजेक्ट्स भी जब करते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट, तो उसमें भी आप एक टाइम फ्रेम का भी एक माइट भी एक पेज बनाते हैं जिसमें पूरा आप अपने टाइम लाइन्स बताते हैं कि इस वक्त शुरू करूंगा। यूज होता है ऐसा चीज? यस सर, डेडलाइंस होती है ना, मतलब सबमिशन डेडलाइंस, मतलब ये इस टाइम तक ये वाला पार्ट कवर हो जाना चाहिए आपका। नहीं, वो तो डेडलाइन है एक, आप लोग अपनी टाइमलाइंस अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक पेज बना के देते हैं जो कि जिसमें आपने क्लेम किया होता है कि ये काम मैं इस वक्त करूंगा, ये मैं इस वक्त करूंगा, और ये जी सर बदला से देते हैं। यस सर, देते हैं ये। तो अब जब आपने कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना होता है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कस्टमर की कोई बात हो रही है, तो वो भी ये चीज़ होती है कि आप ये चीज़ हमें कब तक प्रोवाइड करेंगे सर, वो रोड मैप का। हाँ जी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने देखना, ठीक है? बीच में कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और क्या क्या इक्विपमेंट आप यूज़ करें, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करें, इम्प्लॉयज़ को क्या मिल रहा है, स्टाफ को क्या मिल रहा है, कस्टमर्स को क्या मिल रहा है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं उसकी नो हाउ है नहीं है, ठीक है? कोई भी नई मशीनरी जब आती है तो आप साथ में उसके कैटलॉग्स आते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करवाई जाती है। दैट डजंट मीन्स कि वो नकारा एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिस वेंडर ने जो मशीनरी डिज़ाइन की है वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने इसको किस वे में डिज़ाइन किया, तो वो उसके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है? और फिर ये है कि अगर इसको फर्दर आगे लेके जाना है तो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह के रिलेशंस हैं, ठीक है, किन के साथ आपने डील करना है, कौन से आपके साथ सेल परचेज कर रहे हैं, किन के साथ आपके MOU साइन है। हर जो कंपनी है उससे कोई ना कोई लेट से रॉ मटेरियल वाली अगर कंपनी है तो उनसे कोई ना कोई जो माल है वो उठा रहे होंगे, उसको आगे कहीं ना कहीं वो यूज़ कर रहे होंगे। लेट से आप अगर नर्ची सेवर वगैरह बना रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज़ अक्सर वीडियोज़ वगैरह भी आपने देखी होंगी, तो वो कहीं ना कहीं से बल्क में मटेरियल ले रहे हैं, चाहे वो चाइना से मंगवा रहे हैं, कुछ भी मंगवा रहे हैं। आपकी यहाँ पे कंपनी है, वो चाइना में कंपनी है, तो कंपनी की भी कस्टमर हो सकती है, और ऐसा होता भी है। और टीम में आप मैनेज कर रहे हैं, टीम के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और आपस में सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है वो बड़ा मैटर करता है। अभी आप अगर FYP कर रहे हो तो जिनकी सिंक्रोनाइजेशन है या जिनकी नहीं है उनको फील होता होगा कि ये भी एक बड़ा एक टास्क होता है कि आपने सारों ने अगर लैब में आना तो आपको अपना टाइम सेट करना पड़ता है, कभी कोई अवेलेबल है, कभी कोई नहीं अवेलेबल, हर रोड पे जाना, तो उस पर सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ रही, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। और ये अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो ये सारे चैलेंजेस ही हैं एक इंजीनियर को कि इन सारी चीज़ों को अगर तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ कर गए तो ठीक है, नहीं यूज़ कर सके तो डेफिनेट सी बात है ये सारी हर्डल्स ही हैं। आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, दैट इज़ अ चैलेंज। आपसे रिसोर्स मैनेज नहीं हो रहा, बजट कम है, चीज़ें आपने ज़्यादा खरीदनी, अगेन दैट इज़ अ हर्डल, दैट इज़ अ चैलेंज, ठीक है? आपने कुछ चीज़ बना ली है, कोई प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कर लिया है, आपके पास कस्टमर नहीं है, आप मार्केट नहीं करना कर पा रहे, मार्केटिंग नहीं करना पा रहे, आपके पास स्पॉन्सर करने के लिए कोई चीज़ नहीं, ऐड है, या तो आप कोई पंफलेट बनाएंगे या किसी सोशल मीडिया पे भी देंगे कोई स्पॉन्सरशिप करने के लिए, कुछ भी करेंगे, माइट भी आप उसको मार्केट ना ठीक से कर सकें, ठीक है? माइट भी हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कम्युनिटी के ऊपर ही बहुत बैड इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से उस पर एलिगेशन आ जाए, आप एक रेड लिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम मैनेजमेंट की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें जो भी कोई एम्प्लॉयर होता है उसने सबसे पहले ये देखना होता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अभी कोर्स भी लर्ट्स अगर हमने बनाया तो कोर्स आउटलाइन है, सबसे पहले कोर्स आउटलाइन के अंदर कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं,
कोई भी जब आप काम करते हैं तो अक्सर आप कहते हैं ना कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपको चीज़ क्या चाहिए, कि अगर कोई बंदा को बात करे आपको समझ ना आ रही बड़ी मायूब सी बात, आप कहते हैं आपका मकसद क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो द मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ अ कंपनी हैज़ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव और जो उनके डाइवर्स एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, यानी कि जो बीच में लेट्स से जिनकी शेयरिंग है, जिनका जो फ़ायदा या नुकसान किसी भी चीज़ का जिससे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें एम्प्लॉयज़ भी, इसमें मैनेजमेंट भी, इसमें स्टाफ भी, इसमें स्टूडेंट्स भी, उनके पेरेंट्स, सारी चीज़ें स्टेक होल्डर पर आती, जो कि जिनके ऊपर इस अदारे का या इन स्टूडेंट्स का गुड और बैड जो है वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। हिस्सेदार उसको चाहे कह लें, ठीक है, अगर बिल्कुल आप उसको उर्दू में अगर सर्च करें तो स्टेक होल्डर जो बड़े इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, उनकी कि उनको लेट से अर्निंग क्या हो रही है, उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनके जो इश्यूज़ हैं उन वो एड्रेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। कस्टमर वाला जो पॉइंट है ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कस्टमर अब एक कॉन्सेप्ट है फ्री मार्केट का, ठीक है, और एक चीज़ होती है आपकी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा लेफ्ट कर गए। सलमान सबको निकाल दो लिफ्ट मीटिंग से, मीटिंग एंड हो गई। मीटिंग एंड कर दो यार, 3 बजे। यार सलमान ये रिकॉर्डिंग तो ऑफ करो यार। सर आ गए यार, आ गए। ओके, तो हम बात कर रहे थे कस्टमर की ना, शायद वहां पे ड्रॉप हुए थे हम लोग, और 3 इडियट मूवी के एक मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि उसमें एक स्टेटमेंट है कि जो पिज़्ज़ा डिलीवरी है वो 20 या 30 मिनट्स में हो जाती है, और एम्बुलेंस को कॉल करें तो वो घंटे घंटे बाद आ रही होती है, या पुलिस को अगर आप कॉल करें तो वो बहुत देर बाद आती है। जी सर, ठीक है। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि कुछ एक फ्री मार्केट है, ठीक है, और एक में आपके पास पब्लिक डिपेंडेंट जो मार्केट है ना वो है, ठीक है, मैनेजेरियल थ्योरीज हैं आपके पास। अब फ्री मार्केट में पिज़्ज़ा वाला या जो कुछ भी है, जो भी फास्ट फूड वाला, अगर वो देर से चीज़ें आपको दे रहा है, क्वालिटी ठीक नहीं दे रहा, तो उसके कंपटीटर्स ही बहुत हैं, ठीक है। लेट्स से KFC बैठा हुआ, हार्डीज बैठा हुआ, मैकडोनल्ड वाले बैठे हैं, माई बर्गर है, कुछ और है, OPTP है, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो वो मार्केट से लूज हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, तो प्राइवेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो गवर्नमेंट पे ही जाएंगे, तो जितना भी वो टाइम डिले देंगे वो दे आपको सफ़र, ठीक है। तो अगर फ्री मार्केट होगी, यानी कि पब्लिक जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि गवर्नमेंट जिनको आप कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, सो अगर तो पब्लिक पे आप बाउंड नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर पे आप बाउंड नहीं है, तो माइट बी बहुत सारे लोगों ने देखे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी नहीं जाते, एक उनके लिए वर्ड होता है खारिक, ठीक है, वो कहते हैं कि जो वहाँ पे वो चीज़ बहुत है, ठीक है, माइट बी प्राइवेट से कम्पिटेंट वहाँ पे लोग हों,
लेकिन वो कहते हैं जी रुलना बहुत पड़ता है, दिस एंड दैट है, चक्कर पट लगवाते हैं जी, ये है वो है। तो आपको नहीं क्या लगता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के बहुत सारे फ्लॉज हैं इन पूरी चीज़ों में जो आपने व्यूज सुने हुए, तो अब जो कोर्स में हम थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, तो आपको नहीं लगता कि कहाँ कहाँ पे इशूज़ है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बेहतर हो सकता है वैसे? जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ना मशीनरी अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, ये लोगों को पता है पहले, ये व्यूज़ हैं लोगों के, लेकिन लोग जाते नहीं है, क्या होते हैं अमीर लोग सर, जो नर्सिंग स्टाफ और जो क्लर्क स्टाफ है उनका नहीं सही, मिसमैनेजमेंट की वजह से। अच्छा मिसमैनेजमेंट वो कह रहे, तो मिसमैनेजमेंट में पर्टिकुलरली आपको क्या चीज़ फील होती है कि यहाँ पे इशूज हैं सर? ये जो फॉर एग्जांपल जो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लगानी होती है पेशेंट्स को, उसमें डिले करते हैं। ठीक है, इसी तरह से उनका कुछ लोगों का कहना ये होता है कि बनाते कई डॉक्टर, उनका कहना ये होता है जो डिले वाली आप बात कर रहे हो, कहते हैं हमने डॉक्टर ने ऐसे कहा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स देना, तो हम आपको पहले कैसे दे देंगे मेडिसिन? नहीं सर, अक्सर होता है कि डॉक्टर्स कह भी देते हैं तब भी वो जान पूछ के डिले कर रहे होते हैं अपनी सुस्ती की वजह से, पहले की वजह से। ठीक है चलें जी, ये एक पॉइंट आया कि हाँ, कोई और भी बीच में कुछ कहना? सर ये कई सरकारी डॉक्टरों ने सर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स बनाए होते हैं। ठीक है, कौन सर ये उधर टाइम देते हैं, हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं होते सर। ठीक है, इनका यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो ठीक नहीं है, और ये भी रिसोर्सेज के अंदर भी आ जाता है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हो रही, इफेक्टिवली उनको यूज़ नहीं किया जा रहा। ठीक है, और वो टाइम मैनेजमेंट भी ठीक नहीं, टाइम भी नहीं दे रहे सर, ट्रेनिंग की भी कमी होती है, इस वजह से जो है वो नहीं उस तरह एफिशिएंटली करते काम। ट्रेनिंग की किन को कमी है इसमें, लोअर स्टाफ को, अपर को, डॉक्टर्स को, किन को? सर लोअर स्टाफ जो होता है, लोअर स्टाफ। अच्छा ठीक है, एक उन्होंने कहा कि वो जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर्स आप देते हैं उसको वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे, एफिशिएंटली उस प्रोसीजर को, वो जो प्रोसीजर है उसमें फ्लॉज है। ठीक है, जो पॉलिसी एक बनी हुई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें फ्लॉज हैं, उनको वो ठीक से अगर उनको कह भी दिया जाता है तो कह रहे कि वो काम नहीं कर रहे होते हैं कुछ टाइम। तो ये जो अभी मैंने एक आध पेज आपके सामने बुक का खोली रखा है उसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई थी, उम्मीद है आपको नज़र आ रही होंगी, पहले था ऐसा बुक का पेज जो थोड़ा कभी कोई चीज़ में हाईलाइट कर देता था कभी कोई? जी सर। ठीक है, सो वो ये सारी चीज़ें क्या थी जिन पर हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली यही है। अब हॉस्पिटल के हमने केस को उठाया उसमें आपको नज़र आ गई, कोई और केस पकड़े तो चीज़ें यही है, हमने बेसिकली केसेस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखना है। सो बात चली थी कस्टमर से, तो अगर आप कस्टमर को बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो आप कस्टमर लूज कर जाएंगे, कस्टमर आपके पास मजबूरी वाला रह जाएगा बस, समझे? और वो मजबूरी भी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी किसी और जगह। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट का कोई, गवर्नमेंट अगर मजबूर कर रही है किसी को, तो वो नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर जो डेमोक्रेटिक वे है उसमें वो रूल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, अगर पब्लिक को कहीं ख़राब किया जा रहा है तो पब्लिक उनको रूल आउट जो है वो कर देगी। ठीक है, और अगर फ्री मार्केट है, प्राइवेट सेक्टर है, तो आपके कंपटीटर जो हैं वो आपको पिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो इन एफिशिएंट जो वेज हैं या क्वालिटी ठीक ना वाले, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है मार्केट में, ऐसे ही yes, सप्लायर या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सप्लाई, ये सप्लाई दो सेंस में बेसिकली यूज़ हो सकती है, जो आपको कोई चीज़ सप्लाई कर रहे होते हैं वो आपके बेसिकली सप्लायर्स हैं, कोई रॉ मटेरियल आपसे ले रहे हैं। ठीक है, और आप उनके अकॉर्डिंगली उनको टाइम पे पेमेंट अलर्ट से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कुछ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि, अब सपोज एक पेमेंट पे आप किसी को अखबारी करते हैं, अक्सर आपने बिजनेस के अंदर या कई जगहों पर देखा, किसी लोगों को पता होता है कि उन्होंने चीज़ें उधार पे लेनी है, इन्होंने यानी कि बाद में पेमेंट करनी है, तो वो कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव आपको देते कहीं पे मिलती हैं। ठीक है, आपको उनको पता है कि 2-2 महीने बाद इनकी पेमेंट्स, डिले पेमेंट्स आनी है, तो आपको जो रेट्स लगा रहे थे थोड़ा सा होता है, और आप वहाँ पे कुछ कर, कोई कुछ कह भी नहीं सकता होता, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर तो आपने सेम रेट कह दें, नकद नहीं आप दे रहे, आप उनको, और उससे उनको क्या लॉस हो रहा होता है,
कि उन वो आपको अपने पास से परचेज कर करके चीज़ें दे रहे हैं और आप उनको कहीं बाद में जाके पेमेंट करेंगे और उस वक्त वो चीज़ महंगी होगी होगी, ठीक है, तो आप अपना पैसा उनकी तरफ बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये कि अगर सप्लायर्स आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा तो तभी आप उसके रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके जो है उससे कोई बेहतर चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि वो जो आपको रेट्स दे रहे हैं वो फिजिबल ना हो, ठीक है, या जिस चीज़ पे आप जो चीज़ उनसे ले रहे हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इस तरह की हो कि मार्केट में आप सस्टेन ना कर सकें, ठीक है, या आपने किसी के साथ एक MOU साइन किया और नेक्स्ट डे वो बैंक्रप्ट हो गया, तो उनकी स्टेबिलिटी भी देखनी होती है, क्या है कि वो एक स्टेबल वे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ हैं आपके, सपोज एम्प्लॉय बैकबोन होता है बेसिकली, ये जो इनोवेशन का आपने वर्ड सुना हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप्स का, सो इनोवेशन में क्या है कि आप नए आइडियाज़ जो हैं उनको लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, एक नए कल्चर को, नई पॉलिसी को, एक नए वर्किंग इन्वायरमेंट को, ठीक है। अक्सर ये R&D का भी एक बच्चा नाम ले रहा था, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो कुछ कंपनीज के अंदर प्रॉपर R&D के सेक्शन होते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि लेटेस्ट क्या चीज़ है। किसी ने अभी नाम लिया कि स्टेरिसिस लॉसेस को कम हम करेंगे, तो ये आपने इलेक्ट्रिक मशीन में पढ़ा कि ये जी स्टेरिसिस लॉसेस होते हैं और इस वजह से पैदा होते हैं और इनको यूं काम कर सकते हैं। अब जो ये चीज़ बना, जो ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं, जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कॉन्टीन्यूसली इस पर टाइम लगा रहे हैं कि किस तरह से इनको इम्प्रूव किया जाता है, और वो कोई थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा, कोई इनोवेटरी चीज़ क्लिक करेगी, फिर ही जाके होगा। तो ये करना किन्होंने, एम्प्लॉयज़ ने करना है, और डेफिनेटली बात है ऑनर तो नहीं ना आइडियाज़ लेके आएगा, ठीक है। तो उसकी बेस पे होता क्या है कि आप फिर उस एम्प्लॉयज़ को अप्रेजल, अच्छे गुड ग्रेड्स उसको दें, उसको सैलरी पैकेज और रिजनेबल हो, ठीक है, उसको कुछ बेनिफिट्स मिलें। वो एक बड़ी मशहूर एक स्टेटमेंट है कि आप जो है ना वो लोगों को थोड़ा पीस ऑफ माइंड दें, अच्छी सर्विसेज दें, ये ना हो कि वो आपकी कंपनी में बैठ के आपका इंटरनेट यूज़ करके कोई और जॉब तलाश करो, समझ। तो अगर आप किसी जगह पे लट से किसी जगह पे काम करें और आप हैप्पी नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, डेफिनेट से बात है आपने उन्हीं का इंटरनेट यूज़ करके आगे सर्चिंग ही करनी है या कुछ और करेंगे, या वेट करेंगे कि शाम को घर जाके घर के इंटरनेट पे अप्लाई करेंगे, इधर ही शुरू कर देंगे। जी बताएं, अगर क्या ना हो, सर घर जाके ही करेंगे। अच्छा घर जाके करेंगे, क्या उधर काम ज्यादा करवाते हैं? अच्छा जो कर थका हूँ मैं घर जाके करूँगा ना। नहीं सर, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस वक्त तो उनका काम ही। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर को असाइनमेंट सर क्विजेस टाइम पे स्टूडेंट क्यों नहीं देते हैं? विचार तो बड़े अच्छे हैं सर। ये कंपनी के साथ डिसऑनेस्टी होगी सही। तो हमारे साथ ऑनेस्टी होती है, सेशनल्स आफ्टर द सेशनल्स हैं, क्या ख्याल है? तो ये दोस्तों को भी गाइड करेंगे या नहीं करेंगे सर? अगर क्या मैं दोस्तों को भी समझाया करेंगे कि ये डिसऑनेस्टी होती है कि नहीं, ये मुश्किल है खुद अमल करना। आउटपुट कोई नहीं आ रही है, थोड़ा सेशन साइंड माइक खराब हो गया, माइक में जंग आ गया, पानी आ गया, उधर ना सैलाब आ गया। सो कम्युनिटी का भी बड़ा रोल है, ठीक है, आपके ये जो सोसाइटी है, एक आपको एक असाइनमेंट भी दी थी ना रिन्यूएबल वालों को, द इंजीनियर एंड सोसाइटी को, कि सोसाइटी आपको किस नज़र से देख रही, कम्युनिटी आपको किस नज़र से देख रही, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, आप इन्वायरमेंट को कोई क्लीन सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आपने एक व्हीकल बना दी और उसका कंबस्टन सिस्टम इतना फजूल है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है,
तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज नहीं है। हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, इस तरह का सिस्टम इलेक्ट्रिक वाली आने लगी है, तो ये क्या है, ये क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, ठीक है। और एथिकली कोई आप काम कर रहे माइट भी हो सकता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ठीक हो, लेकिन एथिकली कुछ चीज़ें रॉन्ग होती हैं, ठीक है ना, एथिकली वो चीज़ें ठीक नहीं होती। जो आपके सराउंडिंग्स के सिटीजन हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो, और आपकी अगर कंपनी है, आपको पता है बिजनेस हमें रजिस्टर वगैरह करवाना पड़ता है, तो वो टैक्स के अंदर हमारे पास क्या कोलैबोरेशन कर रहे हैं उनके टैक्स के पैसों से, क्योंकि अक्सर आप कहते हैं ना कि ये हमारे टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट जारी, और होता भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, दैट इज राइट। के और अगर आप तो टैक्स कलेक्शन फिर कहाँ से होती है, कहते ना हमारे टैक्स के पैसों से, तो वो हमारा जो टैक्स है वो कैसे होता है, होता है ये जो हमारे टैक्स वाली टर्म है वो कौन सा टूल क्लॉज पे देते हैं पैसे, ठीक है जी जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं बिल्कुल, हम ना ऑलमोस्ट तकरीबन हर चीज पे टैक्स देते हैं सिवाय सांस के, हम अल्लाह को कोई टैक्स देते हैं, बाकी इधर उधर हम तकरीबन सारा दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, बिल है आपकी, यूटिलिटी बिल्स है उनके ऊपर आपका टैक्स है, छोटी सी छोटी आप माचिस की एक डब्बी परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर आपका टैक्स है, ये जिसको GST वगैरह कह रहे हैं, फूड के ऊपर आप दे रहे हैं, शॉपिंग कोई कर रहे हैं, टूल प्लाजा के ऊपर आप चीज़ें दे रहे हैं, तो ये फिर क्या होता है कि ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आप एट द एंड इसको कलेक्टिवली यही बजट है यही फिर यूज़ करनी है चीज़ें, ठीक है, कि जो आपके पास चीज़ें कलेक्ट हो रही इसी ने कम्युनिटी के ऊपर लगना, रोड वाली साइड पे, रोड साइड से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप सड़कें बेहतर कर देंगे, मौसरात का जो निज़ाम है रोड साइड कम्युनिकेशन वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे लोग लाट से घंटे में पहुँचते थे वहाँ पे माइट भी हो सकता है 10 मिनट्स में पहुँच रहे हैं, उतना फ्यूल उनका टाइम भी बच गया, फ्यूल भी बच गया, इन्वायरमेंट के अंदर उतनी पोल्यूशन भी नहीं गई, मैकेनिकली गाड़ी का स्ट्रक्चर भी बच गया, और वो अफोर्डेबल चीज़ों में आ जाएगी, अदरवाइज लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह पॉलिसी रिविजन्स भी हैं कि आप अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े, ज़्यादा वेट ना करना पड़े, वो चक्कर में भी वही फ्यूल आ रहा है, वही चीज़ें आ रही, वही वो फूड यूटिलाइज कर रहे हैं, वही वो उनकी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज में जा रही है, उनके पैसे भी लग रहे हैं और वो बदजन भी हो रहे हैं सिस्टम की सारी चीज़ें। तो ये जो 3-4 हमने चीज़ें देखी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही है, और इन अ वेरी क्विक वे जो है वो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि कोर्स तो ऑनलाइन है, अटेंडेंस के ऊपर बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम इवन दो के मिड तक भी कोई भी मुझे नज़र आया तो कुछ जहां जहां पर मुझे अटेंडेंस की लूप होल नज़र आए इसको बहुत क्लियर कर लें, ज़ीरो टॉलरेंस है मेरी अटेंडेंस के ऊपर, जो कोई बैकएंड पे कोई कुछ भी कहता रहे मुझे पता है कि मैंने कोर्स अपने को कैसे डील करना है, मैं अटेंडेंस पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, यह बहुत एक क्लियर चीज़ नोट कर लें। आपके इलाकों के मसाइल, आपके रूहानी मसाइल, जो कुछ भी है इंटरनेट का वट एवर दैट इज़, ये थर्ड सेमेस्टर जा रहा है, कोई बंदा किसी किस्म का इशू, कनेक्टिविटी वट्स एवर जो कुछ भी है, ज़ीरो टॉलरेंस। मैं टेक्नोलॉजी को एक समझने वाला बंदा हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, काम की बात करनी है, ठीक है, कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अब्दुलरहमान टेंडेंस बोलते जाए सारे, अब्दुलरहमान मौजूद है लेकिन आवाज़ कोई नहीं, चलो अब्दुल्ला बशारत, ठीक है अब्दुल्ला बशारत, आबिदुल्ला, और 80% अटेंडेंस पॉलिसी है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की मेल्स आपको आती रहती हैं।
चले जी, इस तरह तो बड़ा इन्होंने टाइम लगा दिया लोगों ने, और मैं ना क्विक वे बस बोलता हूँ, जो बोल गया बोल गया। ठीक है, अब्दुल्ला नहीं आवाज आ रही है, फान आसिफ प्रेजेंट सर। ठीक है जी, फान आसिफ है। ओके जी, अहमद अब्दाल, अहमद अब्दाल भी नहीं। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ प्रेजेंट सर। अली सुहेल प्रेजेंट सर। इत्शाम जी, हमजा ताहिर प्रेजेंट सर। ओके, शाम शाम सर वो नहीं है। हसन अली, प्रेजेंट सर। कौन है हसन अली, बोले जरा सर। हसन अली साथ ही बैठा हुआ, उसका नेट नहीं चल रहा सर, यूएमडी का कनेक्ट नहीं में बैठा हूं। अच्छा, नेट नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा जी, खुर्रम शहजाद कोई नहीं है। मोहम्मद हसन कोई नहीं है जी। असद मेहदी प्रेजेंट सर। ठीक है, दाऊद मंसूर कोई नहीं है जी। हमजा रमजान प्रेजेंट सर। ठीक है, साम सदीक कोई नहीं है जी। खुनशान प्रेजेंट सर। ठीक है जी, मजहर कोई नहीं। शहरयार कोई नहीं है। तला रईस यस सर। ठीक है जी, तला सोमरो उमर फारूक नहीं है जी। उमर हयात यस सर। ठीक है जी, वकास यस सर। ठीक है, मुइतबा आमिर तो माइक बंद करके रखा, मुइतबा बोल रहे कोई नहीं। सनान आमिर कोई नहीं जी। सुलेमान अहमद भट्ट यस सर। ज़ाहिर इफ्तिखार प्रेजेंट सर। ठीक है, अच्छा जी, मुजतबा आपकी भी लगा दी है, अटेंडेंस मैंने लगा दी। अच्छा, जो जो लोग और जो आए हैं, मेक श्योर कर लें कि नॉन सीरियस अटेंडेंस को लेने वाले बहुत जल्द एक बहुत बड़ी ट्रबल में आने वाले हैं। ऐसे ग्रेड उनका वेट कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर अटेंडेंस के ऊपर कोई भी किसी किस्म का मामला आता है, मैं टॉलरेट नहीं करूँगा सर। SN023 हाँ जी, ठीक है, लगा देता हूँ। ठीक है जी, बाकी लीव कर सकते हैं, जिनकी अटेंडेंस लगी है वो लीव कर दें। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, SN लगा दी, और कोई स्टूडेंट लगी? हाँ जी, और कोई स्टूडेंट जो के बीच में? ठीक है जी, लीव कर सकते हैं आप, लेक्चर एंड हो चुका है।